हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्राफ्ट एंड क्रिएशन। ये जो बॉटल आर्ट आप सामने देख रहे हैं, ये मैं इसमें मैंने ग्लास बॉटल का यूज़ किया हुआ है, और जो वाइन की बॉटल होती है उसका यूज़ किया हुआ है। और इसमें मैंने वॉल पुट्टी एंड क्ले का यूज़ किया है बॉटल आर्ट के लिए। आप चाहें तो इसमें प्लांटिंग भी कर सकते हैं, मनी प्लांट वगैरह लगा सकते हैं, और फ्लावर वगैरह, फ्लावर वास भी, एज अ फ्लावर वास भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया हुआ है, जिसमें कि एक मैंने सर्कल बनाकर मैं सनफ्लावर का डिज़ाइन इसमें बनाऊंगी, और ये मैं इसकी लीव्स बना रही हूँ। वॉल पुट्टी में आपको ध्यान रखना है कि वो ड्राई ना हो, आप जल्दी से जैसे ही उसका वॉल पुट्टी का डो आप बना लेते हैं तो जल्दी से आप अपना क्राफ्ट उससे बना लीजिए, अदरवाइज़ वो ड्राई हो जाती है तो फिर वो किसी काम की नहीं होती है, या उसकी जगह फिर आप क्ले का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से मैं सारी इसकी लीव्स बना लूँगी, और थोड़ी ये ड्राई हो जा रही थी तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम भी आ रहा था बनाने में मुझे, तो इस फ्लावर को बनाने के बाद मैंने इसमें क्ले का यूज़ किया हुआ है। क्ले इजीली स्टेशनरी शॉप पर अवेलेबल हो जाती है, और उसका एक ग्रीन कलर का पैकेट भी आता है 20 रुपीज़ का, जिसमें एक या दो बार का आप क्राफ्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे से उससे बन भी जाता है। और इस तरीके से हम सारी पंखुड़ी लगा लेंगे, और इसमें नीचे मैं इसके फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और बाद में ये गिरे ना, क्योंकि वॉल पुट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है तो गिरने का भी डर रहता है। और अभी मैंने दूसरी डिज़ाइन के लिए यहाँ पर क्ले का यूज़, क्योंकि वॉल पुट्टी में वो पॉसिबल नहीं हो रहा था इस टाइप का कुछ बनाना, तो मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ किया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और डिज़ाइन भी प्रेफर कर सकते हैं। मुझे लेकिन इसमें थोड़ा कम से कम डिज़ाइनिंग चाहिए था, तो मैंने इसमें इस टाइप की डिज़ाइन मैंने क्रिएट की है। और इसमें हम एक साइड फिर से हम इसकी जो लीव्स पंखुड़ी जो है उस टाइप की मैंने यहाँ पर बनाई है इसके फ्रंट में, एंड बॉटम एरिया में भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ ये वाली जो पंखुड़ी है बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारी जो थर्ड वाला फ्लावर था वो बन गया है, और अभी ये लास्ट और बचा हुआ था तो ये भी हम इस तरीके से बना लेंगे, और इसके बाद ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया है। तो अब आती है कलरिंग के बारी, तो मैंने पहले इसको सारा येलो कलर मैंने इसमें किया हुआ है, और इसके बाद मैं इसमें नेक्स्ट कलर करने के लिए नेल पेंट्स का यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी पिंक कलर की एक नेल पेंट थी जो थोड़ी ख़राब सी हो गई थी, तो मैंने उसका यूज़ किया हुआ है इसमें। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर्स या कोई और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अपने अकॉर्डिंग इसमें आप कलर कॉम्बिनेशन जो भी आपको पसंद हो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ये ग्रीन कलर की नेल पेंट का भी मैंने इसमें यूज़ किया है,
ये एक शाइनिंग वाली नेल पेंट थी, शाइन कर रही थी, ग्लिटर वाली। तो दूर से जब हम देख रहे हैं इसको तो ये काफ़ी शाइन कर रही थी, जो फाइनल इसका लुक आया था। सो इस तरीके से नेल पेंट का यूज़ करते हुए हमारी जो बॉटल क्राफ्ट है वो रेडी है। और अगर आगे भी आप इसी तरीके के वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।